हेल बोलिए श्याम प्यारे की हर, बोलिए लख दातार की सारे जय, बोलिए छोटा सा गांव है मक्खनपुर, लेकिन इतने श्याम प्रेमी आए हैं, सबको जय श्री श्याम। दूर दूर से आप लोग आए हैं, आप नहीं आए, बाबा ने आपको बुलाया है। किसको किसको बाबा ने बुलाया है? चुप बैठने के लिए थोड़ी बुलाया। अच्छा, इस कीर्तन में जो बोलता है ना, रिजल्ट आप देख लेना, क्योंकि यात्रा चल रही है। बाबा खाटू से चलकर आए हैं और खाटू जा रहे हैं, नजर पड़ जाएगी तो आपको अपने दरबार का दरबारी चुन लेगा और सेवा दे देगा। इसलिए बाबा की नजर में आने के लिए एक काम करो, हमेशा बाबा की नजरों में रहोगे, बाबा का कीर्तन करो, हमेशा नजरों में रहोगे। लाख काम कर लेना, कुछ भी हो, नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन कीर्तन करने वाले पर हमेशा नजर पड़ती है बाबा की, इसलिए कीर्तन किया गुरु। सारे मेरे गम, बाबा दे दो दर्शन,
काटो सारे मेरे गम, तेरे नाम का पुजारी आया। अब बताओ कौन कौन दर्शन चाहता है, कौन कौन अपने कष्टों का निवारण चाहता है, पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में बोलेंगे क्या, तेरे नाम का पुजारी
से आपके दरबार में है। आपने कृपा की ऐसी बरसात लगा दी, आपसे मिलने से पहले जिंदगी के जितने पल जिए अकाल में जिए, लेकिन आपके मिलने के बाद कृपा की बारिश हो गई और आपके सिवा कुछ नजर नहीं आया। अब बोल बाबा, तेरा दर्द छोड़कर और कहां जाऊंगा। अपने दिल की बात सुनाने किसके पास जाऊंगा। दर्द छोड़ तेरा मैं जाऊं कहां, श्याम कहां। मेरा तू ही
जयकार भी ताकत से लगा रहे हो, लेकिन कीर्तन की लाइनों में मन भटक रहा है आपका। मैंने देखा 70% लोग कहीं और सोच रहे हैं, उधर क्या हो रहा है, एक मिनट कोई खड़ा हुआ सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे पगले, बाबा खड़ा है सामने, सामने बाबा खड़ा, उसको नहीं देख रहे, उसको देखने से कुछ नहीं होगा। इसको देख लिया और इसने आपको देख लिया, इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म का काम बन जाए। आपका मन होगा तो कीर्तन करूंगा, आपका मन नहीं होगा तो कीर्तन नहीं करूंगा। बोलो किसका किसका ध्यान कीर्तन में है। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर आपको गाना पड़ेगा। क्या तेरे हनुमान जी वाली पॉलिसी अपना रहे कि हनुमान जी को जब तक उनका बल याद नहीं दिलाया तब तक हनुमान जी को याद नहीं आता था। आपको भी बोलना पड़ता कि और जोर से गाओ, तब आपको याद आता कि आप जोर से गा सकते हो। लेकिन दिल पर हाथ रखकर कहना, जो लिमिटेशन भजन करने में आपने बांध रखी है, बस क्या होगा, ये लड़का बोल रहा है इसलिए इसके कहने से ताली बजा ले, इसके कहने से गाए, यही लिमिटेशन। क्या ठाकुर से जब डिमांड रखते हो, मांगते हो, लिमिट में मांगते हो कि बाबा इतना मत देना, बाबा से कहते हो बाबा इतना मत देना, थोड़ा देना, भर भर के मांगते हो, तो कम से कम जितनी जुआ दी उतनी तो कम से कम इनका गुणगान करो। आई है जब ये कहा कि तेरे नाम का पुजारी आया, भाई साहब आप ये मत सोचना कि सामने सिर्फ मुझे देख रहा है, इनके 360 डिग्री का कोण है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देख रहे हैं। मैं आपको क्यों टोका, आपको बात करता देखा आप बगल वाले के चला जाएगा, आप रह जाओगे, इसलिए आपको टोक रहा हूं। मेरा क्या है, जो कीर्तन करेगा भाई उसको देखेगा। अब आपको इसकी नजर में रहना तो आपकी मर्जी, नहीं रहना आपकी मर्जी। कहा बाबा से, बाबा तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया। ये कह दिया, उसके बाद मन में आया कहीं बाबा ये तो ना सोच ले कि भिखारी आया है कितना मांगेगा, तो पहले ही प्रेमी ने कह दिया बाबा डिमांड कोई लंबी छोड़ी नहीं है, पहले सुन लेना, उसके बाद आपको लगे कि मैं आपके दरबारी का भिखारी बनने लायक हूं तो बना लेना बाबा। और उसने क्या कहा प्रेमी ने, ओ श्याम जी अपनी शरण में पड़ा रहने दे। बोलो ओ श्याम पड़ा रहने दे अपनी शरण में पड़ा रहे, किसी कोने में पड़ा रहने देना बाबा, फ्रंट में नहीं चाहिए, किसी भी कोने में पड़ा रह बाबा, दरबार से दूर मत कर, क्योंकि और जहां जाऊं भरमाऊं कहीं चैन ना पाऊं,
जहाँ जाऊं भरमाऊं कहीं चैन न पाऊं, कुछ दिल की भी कहने पड़ा रहे Thank you.
सिर से मेरे कान तरस गए कि कोई मुझे अपना कह दे। आज तक किसी ने अपना नहीं कहा बाबा, क्योंकि मैं किसी के काम नहीं आ सकता, इसलिए किसी ने मुझे नहीं अपना। सुना जो कहीं नहीं चलता वो आपके दरबार में चल जाता है। खोटे सिक्कों को फेंक दो, भंगार वाला भी उसे नहीं खाता, लेकिन सुना वो आपके दरबार में चल जाता है। मैं भी वही खोटा सिक्का हूं बाबा, सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए आपके पास। मुझको इतना कह दो तुमको अपना बना लिया, तुमको अपना बना लिया, चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा, चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा। बस बाबा इतना कह दो, एहसान पे मुझे शाम अपने गले से लगा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा। कौन कौन लगाना चाहता है? हालो हालो, देख बाबा जिसका हाथ ऊपर हो उसे पकड़ना पड़ेगा। कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना, पापा तुमसे रोटी मिले ना मिले, पानी का गिलास पीकर सो जाऊंगा, शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन एक झलक तेरी उस पानी के गिलास में भी मिलनी चाहिए, उसी में संतोष मुझे लगेगा कि जो मुफली से मैं भोग रहा हूं उसमें आपका नहीं मेरे कर्मों का दोष है। आप आज भी मेरे सब कुछ करना बाबा, जो मर्जी आए करना, लेकिन खफा नहीं होना बाबा तुमसे।
कि बंद पड़े ताले खुल जाएंगे और नाम तेरा बस साची तिजोरी में करोड़ों रुपया रखा है, गारंटी नहीं है कि कल सुबह रहेगा कि नहीं रहेगा। कसम से कहता हूं, सुबह की छोड़ो, ताला मारो और घूमो और दो मिनट बाद रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अपनी एक तिजोरी के अंदर में, जिस तिजोरी के अंदर आप पूंजी रखते हो ना, उसमें कागज पे लिख कर रख दो कि शाम बस मेरा है, शाम बस मेरा है, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है, शाम बस मेरा है। ये विश्वास के साथ कागज में लिख कर अपनी उस तिजोरी के अंदर में रख देना, जब तक उस तिजोरी के अंदर में वो कागज रहेगा, शाम आपका रहेगा। उस तिजोरी को, उस तिजोरी में कुछ हो चाहे नहीं हो, आपको किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी। नाम तेरा बस साची पूंजी, और चाहे कितने ही गम ढाए दुनिया से।
मुझे हंस हंस कर सहने दे, पड़ा रहने दे अपनी शरण में, पड़ा रहने दे ओ श्याम जी, पड़ा रहने दे। बोले हारे के सहारे की। आइए बस एक और पुष्प बाबा के चरणों में। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, आप लोगों ने बाबा के लिए जो भाव दिखाए, भैया कहाँ जा रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, जब हम लोग रथ लेकर निकल रथ लेकर बाबा चलते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, पूरा हाईवे दोनों तरफ खेत खलियान, अचानक कोई भक्त और कोई भक्तन आ जाती है। मैं चारों तरफ देखता हूं अंधकार में, कहां से आए हम तो आगे आगे चल रहे थे, ये आए कहां से? लेकिन उनके भावों को देखकर वो बाबा के रथ के आगे झुक जाते हैं, जमीन पर दंडवत करने लग जाते हैं। गांव गांव के अंदर में भी बाबा के ऐसे प्रेमी हैं, ये देखकर महसूस हुआ कि बाबा हिंदुस्तान के कोने कोने में समाया हुआ है। और आज ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, आज ये पंडाल ये दरबार खचा खच इसलिए भरा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बैठे हैं बाबा के, है ना? ऐसा आपके प्रेम के आगे नतमस्तक है हम लोग। श्री श्याम कला भवन, एक पुष्प बाबा के चरणों में और रखेंगे। इस पुष्प की एक एक बात को अपने दिल में गांठ बांध कर ले जाना, कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन इसके एक एक लाइन को याद कर लेना, फिर देखना तूफान आएगा जरूर लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, बगल से चला जाएगा, क्योंकि आपको चारों तरफ से घेर कर खड़ा होगा हमारा बाबा। क्योंकि जो मेरे बाबा का कीर्तन करता है, बाबा उसका कवच बन जाता है। बोल साचे दीवाना कहता है बाबा से, बाबा आज मेरे हालात ऐसे हैं, दुनिया के तो रिश्तेदार छोड़ देते हैं साथ, सगा भाई साथ छोड़ देता है, लेकिन मेरा साया भी आज मेरे साथ नहीं है। लेकिन बाबा मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है। बोलो मुझे नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा सावरा मेरे संग। आपने व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी होगी, एक बाबा का दीवाना था, बाबा से लौ लगी, बाबा खुश हो गए। बाबा ने कहा मांग क्या मांगता है? उसने कहा ठाकुर मैं चलूं, आप मेरे आगे आगे चलो। बाबा ने कहा चल यही होगा। वो प्रेमी रास्ते में जा रहा था, उसका ध्यान सिर्फ यही था कि चार पांव नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, दो ठाकुर के और दो मेरे, उसको चार पांव नजर आने लगे। चलते चलते थक गया, लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा, लेकिन गिरा नहीं। अचानक चार पांव गायब हो गए, सिर्फ दो रह गए। रोने लगा, पछताने लगा कि आपने तो वादा किया था ठाकुर कि आप मेरे आगे आगे चलोगे। अचानक उसकी अंतरात्मा ने कहा अरे पगले तू मूर्ख है, मैं तो तेरे आगे आगे चल रहा हूं
तू लड़खड़ा कर गिरने वाला था, तुझे मैंने गोदी में उठा लिया, इसलिए तेरे दो पांव तुझे तेरे पांव नजर नहीं आ रहे। इन आंखों से नहीं, इस आंखों से मुझे देख, मैं नजर आऊंगा। इसलिए अपने साए को मत देखना कि वो साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपनी अंतरात्मा की आवाज से पूछना कि आपका बाबा आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। पूरे पूरे हाथ उठाओ, पूरे पूरे, और मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या, मुझे गम नहीं इस बात का,
अपने लिए बता रहा हूँ, अगर आपके लिए भी वही हो तो दिल से गाना। तू है तो मेरा जीवन, चिड़िया सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन, चिड़िया सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। मैं बोलूंगा जाओगे, छोटा भाई बोल रहे क्या होगा बताऊं? जो मांगोगे मिले, किसी ने पूछा खाटू गया है, मैंने भी हाथ उठाया नहीं गया, और उसने बताया इस दरबार के बारे में, मन बना लिया, लेकिन जाने के एक दिन पहले तक टिकट का जुगाड़ नहीं था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, आंख में पानी आ गया। बाबा लोग कहते हैं जो तेरे दरबार में जाता है वो हारता नहीं जीत जाता है, मैं तो जाने लायक नहीं रहा, अचानक कृपा हो गई, सामने से कोई आकर 500 की टिकट थी, 500 की गड्डी देकर गया। मुझे आज भी वो दिन याद है।
और कसम श्याम प्रेमी हो, कसम खाते वाले जो इसके दरबार में पहली बार जाकर कुछ नहीं मानता है, सिर्फ झुक जाता है और जब खड़ा होता है और दो बूंद जमीन पर टपक जाते हैं उसके बाद उसको नहीं छोड़ता है। इसलिए जो खाटू नहीं है एक बार कहता हूं जो मांगो नहीं उबर पाऊंगा, खाटू वाला नाम लेकर नहीं आएगा, कैसे निकालेगा बताऊं, हाथ उठाऊंगा। गज को बहुत घमंड था अपनी ताकत पर, लेकिन जब जल में ग्राह ने पकड़ा, भगवान ने कायनात बनाई, सबका अलग अलग प्रभुत्व दिया है, धरती पर गज को ताकत दी, जल में ग्राह को ताकत दी। गज को नहीं पता था इस बात का, जब ग्राह ने पकड़ा पांव पूरी ताकत लगा लिया और जब नहीं छूटा तो सूंड उठाकर चिंगाड़ा, हरी आ जाओ हरी, हरी आए गरुड़ विमान पर, नीचे उतर कर नहीं आए। गज का घमंड तोड़ने के लिए सिर पे उंगली बढ़ाई और उंगली से खींच लिया। नाव स्टीमर बड़े बड़े जहाज लेकर नहीं आए, इसके दरबार में जाना आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से एक किनका फेंक देगा। मेरा 5% कमीशन हो गया, लेकिन चूंकि यात्रा में कुछ नहीं लेना इसलिए बहन 5% रिटर्न किया, पर मैं बाबा से कहूंगा मेरे में से भी थोड़ा और ज्यादा दे देना। तालियां बजाओ।
एग्जाम दिया है ना, रिजल्ट लेकर जाओ। इंटरनेट पर नहीं आएगा रिजल्ट, यही मिलेगा। और हर प्रेमी अव्वल दर्जे से पास होगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। देखिए रास्ते में मैं पिछले बनारस के बाद से कहता आया हूं, बनारस से लेकर और शायद आगरा तक ये रूट बहुत क्लमजी रूट था। जब हम लोग रेखी करने के लिए आए, जगह फाइनल करने के लिए 6 महीना पहले आए, इस रूट में से आधे से ज्यादा ब्लैंक पड़ा था। हम लोग आए लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं कर पाए कि कहां होगा पड़ाव, कहां नहीं होगा। लेकिन बाबा का नाम लेकर चल पड़े। आप लिस्ट आपने देखी होगी मनीष भैया, जिस जिस जगह पर कोई पड़ाव फाइनल नहीं हुआ तो उसको ब्लैक कर दिया था कि बाबा तू जाने और तेरा काम जाने। लेकिन लेकिन बाबा आगे बढ़ते गए और बाबा के प्रेमी पीछे बढ़ते गए, हम लोग पीछे पीछे चलते गए और ये सारे प्रेमी एक एक करके हम यहाँ की सेवा करेंगे बाबा की, हम यहाँ की सेवा करेंगे बाबा की। पिछले 7-8 दिनों में जो जो जगह हमने फाइनल कर दी थी एक बार टेम्परेरी सबको, नहीं उससे अपग्रेड जगह आपको करेंगे बाबा को। हमारा बाबा आ रहा है, आज भी पड़ाव सरस्वती विद्या मंदिर में था, आपके यहाँ पे कहीं अगल बगल में है 1 किलोमीटर पे। इन्होंने कहा कि उससे बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। सिर्फ 2 दिन पहले हमारे मनीष भैया, अनु भैया, आगरा वाले सारे प्रेमी आए हुए हैं। इन्होंने भी पूरे 5-6-7 स्टेशनों, मनीष भैया भी 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं कीर्तनों के अंदर में, लगातार पड़ाव पर आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, आप लोगों ने जो समय दिया है, एक एक सेकंड बाबा ने अपने कंप्यूटर में नोट कर लिया है, एक एक सेकंड। और आपको महसूस कराएगा जब जब आपको इसकी दरकार पड़ेगी ना, आपको बोल कर जाएगा, देख तू मेरी यात्रा में उस दिन वहां पर आया था, तूने मेरे प्रेमियों को उस दिन वहां पर हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया था, तुझे रास्ता नहीं भटकने दूंगा मैं। ये बाबा कह रहा है। आपके भावों को मैं थैंक्स कह के छोटा नहीं करना चाहता, आभार प्रकट करके छोटा नहीं करना चाहता, इसलिए
मैं मनीष भैया से निवेदन करूंगा, एक बार खड़े हो जाए मनीष भैया, श्याम कला भवन बाबा के साथ एक बाबा का प्रतीक चिन्ह और एक सॉल, सम्मान का सॉल लेकर आए हैं, और मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय पुरुषोत्तम भाई साहब हमारे कला भवन की रीढ़ की नींव खाटू धाम में विराजते हैं, शाम भक्तों के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कोई भी प्रेमी टेलीफोन करता है मंगला आरती में बाबा के दरबार में जाकर उस प्रेमी के दुख की अर्जी, दुख दर्द की अर्जी बाबा को सुनाते हैं। हजारों प्रेमियों का काम बना है। खाटू से चलकर कलकत्ता आए, बाबा भी आए और बाबा के प्रेमी भी आए, और कलकत्ते से निशान लेकर पद यात्रा करते हुए खाटू वापस जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी से कि वो शॉल उठाकर, मनीष भैया को शॉल उठाकर पापा जी को, मोहनलाल जी अग्रवाल, आदरणीय मोहनलाल जी अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई साहब बाबा का ये शॉल प्रेमियों कल का पड़ाव टुंडला में है, कहाँ पर? उदय पब्लिक स्कूल टुंडला टोल गेट पर ही है, इसलिए अब तो विश्वास टोल गेट पर है, इसलिए पता है कि अब किलोमीटर आगे पीछे नहीं होगा। कल का पड़ाव उदय पब्लिक स्कूल और परसों आगरा श्री श्याम मंदिर आगरा में बाबा के श्री चरणों में ये दरबार लगेगा। और आपको बता दूं 9 मार्च को रिंगस पहुंचेंगे, 9 मार्च को रिंगस श्याम मंदिर में बाबा का निशान अर्पित करेंगे, 10 मार्च को रिंगस से खाटू धाम के लिए सुबह 11:15 प्रस्थान करेंगे, खाटू धाम जाकर निशान विराजेंगे, और 11 मार्च को शाय 4:30-5 के बीच फिर से निशान उठाकर बाबा के शिखर पर बाबा को अर्पित किए जाएंगे। सभी प्रेमियों से निवेदन है अधिकाधिक संख्या में पधारे। और एक सूचना दे दूं, श्री श्याम कला भवन विश्राम गृह गृह जिसके अंदर में 16 मार्च 10वीं और 17 मार्च 11 दोनों दिन सारी रात्रि 9 से लेकर मंगला आरती तक दोनों दिन बाबा का अखाड़ा लगेगा श्री श्याम कला भवन विश्राम गृह में। और हिंदुस्तान के जितने भी श्याम भक्त भजन प्रवाहक हैं वो सब तो आएंगे ही, हमारे कलकत्ते की जितने भी श्याम बाबा के भजन मंडलियां हैं वो भी सब अपने हाजिरी लगाने के लिए आप आएंगे। आपको खुला निमंत्रण है, सादर निमंत्रण है, अवश्य पधारें। बाबा की आरती 5 मिनट लगेगा, बाबा की आरती करेंगे, आरती सब करके तालियां बजाकर मृदंग नगाड़े ढोल सब बजेंगे और तालियां बजाकर आरती का आनंद लें, और उसके बाद में बाबा की जय। बैठे कोई खड़े नहीं, बैठे
त्वमेव त्वमेव नित्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव उमे तपसर पसर भवत जी महाराज की जय। बोले पितर जी महाराज की जय। बोले।